अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, मैं हूँ ज़ेबतुल बल्तिस्तानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मनहोका वाटरफॉल पर। मुझे थोड़ी उनकी आवाज़ में तो बोलनी पड़ेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये वाला व्यू आप ज़रूर देखें, क्योंकि हमेशा आप लोगों ने मनहोका वाटरफॉल का डे और सनलाइट वाला व्यू देखा है, बट ये नाइट व्यू है जो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे। इस वक्त रात के तकरीबन 10:30 बज चुके हैं और मैं इसके पास ही बैठी हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं जाके इस टाइम कमरों में बैठूँ और वहाँ पर कोई आराम आराम करूँ, क्योंकि मुझे इसको देख के ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बल्तिस्तान में सर्दी इस दफ़ा इतनी नहीं हुई, लेकिन फिर भी यहाँ पर बर्फ़ जम चुकी हुई है और बस हम इसी को इंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपको मैं बैकग्राउंड व्यू अच्छे से दिखाती हूँ, देखिए। तो ये है व्यू, ऊपर से पानी गिर रहा है, साइडों पे आपको बर्फ़ जमा हुआ नज़र आएगा और बिल्कुल नीचे भी बर्फ़ जमा हुआ है। और जो सबसे खूबसूरत व्यू मुझे लगा ना इस पूरे लोकेशन पे, यहाँ से कैप्चर करने में लग रहा था, तो हाँ और पास जाके दिखाती हूँ आपको। नेचर की जो खूबसूरती है वो कुछ ऐसी है कि आप चाहकर भी ना चाहकर भी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। नेचर जब खूबसूरत हो तो वो आपको फिर अपने पास रहने का और अपनी कुर्बत में रहने का मौका देता है, और आपको इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और इस वक्त जो मैं खूबसूरत व्यू देख रही हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ इस लम्हे को, यकीन माने मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बस मैं बहुत खूबसूरत चीज़ देख रही हूँ इस दुनिया में, सबसे खूबसूरत जगह और इस वक्त देख रही हूँ। और बस मैं चाह रही थी कि मैं अपने व्यूवर्स को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाऊँ, खासकर ये लोकेशन ज़रूर दिखाऊँ। अगर आप में से कोई बल्तिस्तान में है या बल्तिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं इस सर्दी के मौसम में, तो यहाँ पर ये नाइट व्यू ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे नाइट व्यू से ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं लगा इस वक्त मनहोका वाटरफॉल का।